हेलो दोस्तों। अरे यार, लाइट को भी अभी जाना था क्या? कोई है? लाइट जला देना भाई। चलो आ गई लाइट। तो लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है क्या है भाई? जाती कहाँ है और आती कहाँ से है? चलिए देखते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स, और फिजिक्स को हम बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए और बहुत अच्छे से समझने के लिए आज से हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर, जो कि है विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है, लाइट आती कहाँ से है? तो आज से बहुत साल पहले हमारे एक वैज्ञानिक थे, लगभग लगभग 600 ईसा पूर्व में, थेल्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनके फोटो। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि एम्बर नामक ये पदार्थ, इस तरह का ये पदार्थ, और ऊन यानी इन दोनों को अगर आपस में रगड़ा जाए तो इस एम्बर में एक तरह का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक तरह का इस तरह की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर खींचने लगता है। अच्छा, छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर खींचने लगता है। अब एम्बर, एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रम कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रम से ही इलेक्ट्रिसिटी शब्द आया, और यहीं से ही उत्पत्ति हुई इलेक्ट्रिसिटी की। यानी कि क्या है, परिभाषा में हम समझ लेते हैं, यानी कि उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, विद्युत कहलाता है। एक और बात भी कर लेते हैं, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, क्या कह रहे हैं कि उस ऊर्जा को, किस ऊर्जा को, उस ऊर्जा को कि जिसके कारण किसी पदार्थ में अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। कितना मज़ेदार है, यानी कि अब हमें पता चल गया कि लाइट आती कहाँ से है। इसी इसी में हम अगला चैप्टर, अब इसी इसी चैप्टर में हम अगली फील्ड लेके आएंगे, अगला टॉपिक लेके आएंगे, वो है अपना विद्युत क्षेत्र, उसके बारे में जानेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है उनके बारे में जानेंगे, और 12th क्लास की फिजिक्स को और मज़ेदार बनाने के लिए और आसानी से समझने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।